तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की एक नई अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों। ये अपडेट ये है, जैसा कि आपको बता होगा UI 6.1 में बहुत सारे AI फीचर्स आए थे, तो अब ये जो UI 6.1 है ऑफिशियली सबको रोल आउट होने वाला है, चालू होने वाला है सारी डिवाइसेस के लिए। जो जो एलिजिबल डिवाइसेस है उन सब डिवाइसेस में आने वाला है। तो ये कब लॉन्च होने वाला है और कब डिवाइसेस में लॉन्च होगा सब आपको आगे बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो कर लेना। तो चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, ये बिल्कुल ऑफिशियली न्यूज़ है और ऑफिशियली सैमसंग की तरफ से ही रोल आउट किया गया है कि 6.1 का अपडेट, या बोल सकते हैं AI का जो अपडेट है, जो जो एलिजिबल डिवाइस सब पे आने वाला, चालू होने वाला है। तो कब का भी ये चालू होने वाला है उसके बारे में आगे बता लूँ। सबसे पहले बता दूँ, ये मार्च में रोल आउट होगा, मार्च में सबको रोल आउट होना चालू होगा। तो सबसे पहले आपको पता है प्रीमियम मोबाइल्स पे आता है, तो S24 सीरीज में तो बाई डिफ़ॉल्ट ही आ रहा है। S23 सीरीज में आएगा सबसे पहले मार्च एंड में। तो मार्च एंड में सबसे पहले गैलेक्सी S23 सीरीज में आएगा, फिर S23 FE वाले में आएगा, फिर Z Fold 5 में आएगा, Z Flip 5 में आएगा, टैप S9 सीरीज में आएगा। तो इन सब डिवाइसेस में एंड ऑफ द मार्च आपको ये अपडेट मिल जाएगा 6.1 का। उसके बाद धीरे धीरे जो भी एलिजिबल डिवाइसेस हैं सब में रोल आउट होना चालू हो जाएगा, और इसके अंदर बहुत ही कमाल के जो AI के फीचर्स थे जो आपको S24 में देखने को मिले, सब आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि AI जो फीचर्स है, चैट असिस्ट, लाइव ट्रांसलेशन, इंटरप्रेटर, सर्कल टू सर्च, नोट असिस्टेंट, ब्राउजिंग असिस्ट, ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट, जनरेटिव एडिट, एडिट सजेशन इन स्लोमो और AI वॉलपेपर जनरेटेड, ये आपको बहुत जल्दी सभी डिवाइसेस में मिलने वाला है जो कि एलिजिबल है। अब बात करें किन किन डिवाइसेस में अपडेट आएगा। तो मैंने आपको S23 बता ही दिया है, फ्लिप वाली सीरीज बता दिया है, और S9 सीरीज बता दिया है जिसमें एंड ऑफ द मार्च आ जाएगा। उसके बाद बात करें यहाँ पर जो उसके नीचे वाली सीरीज है और किस किस में आएगा, तो S22 की पूरी सीरीज में आएगा, 21 वाली सीरीज में आएगा, 22 प्लस, 22 अल्ट्रा, 21 प्लस FE 21 अल्ट्रा 21 प्लस 21। उसके बाद जेड फोल्ड वाली या जो फ्लिप वाली उसमें आएगा, जेड फील्ड और जेड फ्लॉप 3 आएगा। उसके बाद गैलेक्सी A73, A72, A54, A53, A52S, A52, A52S 5G वाला, A34, A33, A25, A24, A23, A15, A14, A13, A04, A04S और A05S। उसके बाद M सीरीज की बात करें, गैलेक्सी M54, M53 5G, M33 5G, M23, गैलेक्सी F54, F23, गैलेक्सी F54 5G, और उसके बाद टैप सीरीज मैंने आपको बता ही दी है, और S8 वाली टैप सीरीज में भी आएगा। इन डिवाइसेस में ये UI 6.10 का अपडेट रोल आउट होना चालू होगा, और मार्च के बाद ये सबको रोल आउट होना चालू हो जाएगा। ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट सबसे पहले आपको मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच।